welcome to. कितना पैसा हुआ भाई साहब? 500 रुपीज़। थैंक यू। और भैया भैया एक सेकंड, वो ब्लेजर भूल गया मैं मेरा। थैंक यू थैंक यू। अरे भैया, टैक्सी वाले भैया, वो टिफिन भूल गया, नहीं खाऊंगा तो माँ बुरा मान जाएगी। थैंक यू भैया। और देख लो सर जी, बहन का बुना हुआ स्वेटर, दादी की दी हुई अंगूठी भी तो इन्हें छूट गए अंदर। दादी का तो स्वर्गवास हो गया और बहन तो है ही नहीं। हाँ माँ, पहुँच गया। हाँ, अभी चेक इन करूँगा। हाँ, होटल बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ, वेदर भी अच्छा है। पता है माँ आज क्या फ़नी इंसिडेंट हुआ? पहले मैं टैक्सी में मेरा ब्लेजर भूल गया और फिर आपने जो टिफ़िन दिया था वो भूल गया। टैक्सी वाला बोल रहा है, भैया चेक करो, कहीं बहन का दिया हुआ स्वेटर, दादी की दी हुई अंगूठी तो नहीं भूल गए, चेक कर लो। माँ एक बात बोलूं, जब से मैं इंजीनियर बना हूं ना, आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं। जब से मैंने मेट्रो प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, कभी इधर कभी उधर घूमते रहता हूं। हाँ माँ, हाँ मैं 3 दिन में वापस आऊँगा। हाँ माँ, आप खाना खा लेना। लव यू माँ। वीर सिंह। पुरखों की जमीन है, मैं नहीं बेचूंगा। मेरे बच्चों का पेट पलता है उस जमीन से। मैं किसान हूँ, मुझे बंगला नहीं चाहिए आपका। हम नदी में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में नहीं। मेरे बच्चों का पेट पलता है उससे। नहीं भाव नहीं, मैं नहीं बेच पाऊंगा। सोच ले भाव। कोई समझता ही नहीं, बताओ। है डेवलपमेंट, विकास बंगलो दे रहा था विद स्विमिंग पूल, मान ही नहीं रहे। अब फिर लफड़ा साला कोर्ट केस। जिंदगी में कभी उसने ऐसा बंगलो देखा नहीं होगा। 46 एकड़, 76 बंगले, 46 एकड़। नहीं, खेती बाड़ी करनी है। बना ले। बोला ना कपड़े उतार, बोला ना उतारो, बोला ना एक बार। हाँ बोल। वहीं रुको तुम लोग, मैं आ रहा हूं। उल्टा दिया सब कुछ। आगे से ध्यान रखना। हाँ, ठिकाने लगा दो उसको। हाँ, वहीं पर। अंजना, अंजना। मार 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 मार। कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वीर। तुम अंजना अवस्थी हो। बचपन में अनाथ हो गई थी। अपने चाचा के साथ रहती थी जो कि गंदा इंसान था। मोहल्ले के नैवर सेगर ने तुम्हारा सेंट मेरी स्कूल में एडमिशन करवाया था। 10वीं क्लास टॉप की थी तुमने। तुम क्लास की मॉनिटर थी। तुम्हें लाल और पीला रंग बहुत पसंद है और एक बार 10वीं क्लास पास होने के बाद तुम चली गई और फिर मुड़ के कभी नहीं आई। तुम मेरे बारे में सब कैसे जानते हो? बोलो। 10वीं क्लास में एक लड़का तुम्हारे सामने लव लेटर फेंक के भाग गया था, याद है तुम्हें? उसके बाद वो कभी नहीं मिला। तुम पागल हो। तुमने वो लेटर खून से लिखा था ना। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम वापस क्यों नहीं आए? डरता था मैं, डरता था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर दो, इसलिए सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे इस डर ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। रुको, ये लेटर। मेरी प्यारी अंजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा वीर। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा वीर। तुम कहाँ चले गए थे? तुम वापस क्यों नहीं आए? अगर तुम एक बार हिम्मत कर लेते तो आज हालात कुछ और ही होते। ये लेटर पढ़ने के बाद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी। तुमने शादी कब की? शादी लखेल बन के रह रही हूं मैं वो आदमी के साथ। चलो भाग चल। ऐसे कैसे? तुमने कभी प्रपोज तो किया नहीं, मुझे भगा ले जाने की बात कर रहे हो। मुझे डर नहीं लगता। अच्छा तो ठीक है, पहले प्रपोज करो फिर डिसाइड करेंगे। सोच क्या रहे हो, करो प्रपोज। करो प्रपोज। बोलो आई लव यू अंजना। गाड़ी घुमा। अंजना भाग चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं भाग सकती वीर। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। वो जानवर मुझे कहीं नहीं जाने देगा। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। मुझे जहाँ जाना है उसका सफ़र तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो शादी से पहले एक दूसरे को समझ लें। मुझे दुल्हन बनना है। क्या हुआ अंजना? क्या हुआ? हमारे आने से पहले मैंने जहर पी लिया था। पी प्लीज मुझे बचा लो। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब, फिर से जहर खा लिया उसने। जल्दी क्लिनिक पहुंचो, मैं आ रहा हूँ।